ये बड़े शहरों में स्टूडेंट्स को छोटे मोटे काम मिलते रहते हैं और उसके बदले अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उन्हें। वो तुम्हारी चाची दरअसल मशवरा दे रही थी कि अगर तुम कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो तो। सॉरी बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए। तुम लोग डिस्क्वालिफाई थे। अच्छा, तो अब हम क्वालिफाइड हैं। जो भी हरामपन किया ना तुम लोगों ने, मैं उसका पता लगा के रहूंगा। आपने भी तो फेवर दी है बच्चों को, आप बस अब अपने काम पे लग जाएं। अगर मैं उन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट। नहीं सर, दिस इज अगेंस्ट द एग्रीमेंट, हम इसे अग्री नहीं कर सकते। ओके सर। अरे क्या यार, तुम इधर बैठी हो, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वाओ, थैंक यू गॉड। अच्छा यार, आई हैव अ ग्रेट न्यूज। हाँ हाँ बताओ। वी आर बैक इन द कंपटीशन। व्हाट? ओह माय गॉड। यस। पर कैसे? अरे यार, एक बार जो मैंने कह दिया तो समझो हो गया। यार तुम तो वाकई में हीरो निकले हो, वाकई में। मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैं बेंच पे बैठी थी तो नोटबुक मेरे हाथ में थी यार। Guess what? We came at the wrong moment. अरे इतनी जल्दी क्या जाने की? आओ बैठो हमारे साथ भी। मैं और तुम जैसे लो स्टैंडर्ड इंसान के साथ क्यों बैठूंगी? ओहो, अपने फेलो कॉम्पिटिटर्स के साथ इतनी नफरत। आई गेस तुम्हें बताया नहीं किसी ने अब तक। क्या यार जोया, चलो मैं बता देता हूँ। इस साल एनुअल कॉम्पिटिशन में आपके सामने होंगे वन एंड ओनली सोया। व्हाट द हेल। जासिया तुम चलो यहाँ से। यार जरक सिर्फ ये चाहता है कि हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक हो। किसी का ओपिनियन मैटर ही नहीं करता यार, वो किसी की केयर नहीं करता। जो वो डिसीजन लेता है वो लास्ट डिसीजन होता है। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस यार। इतनी बड़ी बात नहीं है यार, इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन। यार बात ये नहीं है, हमारा एक अपर हैंड था उनके ऊपर, बात यहां पर ईगो की है। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, तू इजी हो जा। क्लास? हाँ, वापसी तेरे साथ होगी। हाँ हाँ आई नो यार, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, आ जाए फिर। ठीक है। यार विकी, थोड़ा प्रैक्टिकल रहने दे यार, तू अब लेक्चर ना शुरू कर दे। यार तू समझता क्यों नहीं है यार, क्या हो गया इतना बचपना? सर हबीब ने मुझे इशोर किया कि वो नहीं जीतेंगे। वैसे भी अगर कोई और मसला हो जाता तो हम भी तो बीच में गंदे होते। हमने भी तो कोई ठीक तरीका नहीं चूज किया ना कंपटीशन में आने का। यार आदिल कुछ नहीं कर सकता। रियली? वो कुछ भी कर सकता है। तुझे लगता था कि वो हमारा बैंड छोड़ेगा? और तुझे लगता था कि वो अपना अलहदा से बैंड बना लेगा, बैटल ऑफ द बैंड्स जीत जाएगा? मैं उसे बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। जब वो इरादा कर लेता है ना तो वो करके दिखाता है। हमें रिस्क लेने की क्या जरूरत यार। तू फिक्र ना कर, जीतेंगे तो हम ही। दिस इज द लास्ट टाइम हम इस पे अपनी क्लास वेस्ट कर रहे हैं। एक असाइनमेंट थी जो इतनी ड्रैग हो गई है। अब जो पोइट्री का फीडबैक मिला है आपको, उसके अकॉर्डिंगली अपनी असाइनमेंट्स को इम्प्रूव करके आए।
एंड कीप अ ट्यून इन माइंड, क्योंकि ये पोइट्री उसके लिए यूज होगी. एनी क्वेश्चंस? ओके, सी यू नेक्स्ट वीक. नायल, वो सॉरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी. तो इसमें सॉरी की क्या बात है, कहो. वो एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे भाई का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गए हैं. मुझे तो इस शहर का कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो मुझे ज़रूर बता देना. एक्चुअली फॉरगेट इट, मैं पता नहीं तुमसे क्यों. नहीं नहीं, फॉर श्योर, जैसे ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिलती है मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा. थैंक यू. थैंक यू की जरूरत नहीं है, आई वुड लव टू हेल्प. मुझे पता है कि सबसे अच्छा काम है मेरे बच्चे का. थैंक यू चाचा. बात हुई थी मेरी हानिया से, 3 महीने बाद एडमिशन खुल रहे हैं. दिल लगा के मेहनत कर रहा हूँ ताकि फिर अपनी बहन के पास रह सकूं. क्या हुआ बेटा, कोई मसला है क्या? चाचा, उस यूनिवर्सिटी के लोग बहुत अजीब हैं. क्या मतलब? चाचा, उधर के स्टूडेंट्स. किसी ने कुछ कहा है तुमसे? सच बताओ, हानिया को तो नहीं किसी ने तंग किया? नहीं नहीं चाचा, बस मैं उस दिन गया था ना, तो बस यूं ही कह रहा था. ओ बेटा, वो बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, ऐसी कोई बात नहीं है. तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ होगी, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? चाचा, वो भी तो मसला है. क्या? कुलसुम, वो मुझे कॉलेज से नहीं पसंद. चाचा, मैं यहाँ परेशान हूँ और आप हंस रहे हैं. बेटा, ऐसे किसी को नहीं कहते, वो बहुत अच्छी लड़की है. इतना ऊंची ऊंची बोलती है, सर में दर्द हो जाता है. ऐसे नहीं बोलते जी. अहमद, खाना खा लो, तैयार है. एक तो इस सारे घर की जिम्मेदारियां मेरे पे ही हैं, दूसरों को बस गप्पे मारने और रंग भरने से फुर्सत नहीं है. चलो बेटा, उठो, खाना खाए. ठीक है यार, मैं चलता हूँ. ओके बाय. नाइल? हाँ यार, वो मैंने तुझसे पूछना था कि तबीयत बेहतर है अब तेरी? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है. क्यों? कुछ नहीं, वैसे मैंने सोचा पूछ लूँ. सब ठीक है ना? ओके. अरे क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? न्यूज़ सुन के खुश नहीं हुई क्या?
नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। Then put a smile on your pretty face. आदिल वो बोलो वो हानिया क्या हानिया पता नहीं मुझे लग रहा है कि जैसे वो नहीं आएगी वो एक्चुअली वो जब ऐसी होती है ना तो वो बहुत अजीब सी हो जाती है और बहुत जिद्दी हो जाती है देखो मैंने बहुत मुश्किल से हम सबके लिए पॉसिबल किया और अगर तुम्हारी दोस्त इतनी है ना शुक्रिया तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ भी करके उसे मनाओ क्या हुआ इतना इमरजेंसी मैसेज क्यों भेजा तुमने बेटा न्यूज़ ही ऐसी है गेस व्हाट वी आर बैक इन द कंपटीशन गाइस सीरियसली यार देखो मजाक ना करो मेरे साथ कसम से नहीं यकीन आता तो जाके स्केड्यूल लिस्ट चेक कर लो यार ये तो बहुत अच्छी खबर है लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ आदिल है ना हमारा हीरो हाँ वो तो ठीक है लेकिन अकॉर्डिंग टू यू गाइस डॉक्टर्स ने बहुत गलत किया था तो क्या तुमने भी हानिया तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ अरे जिस सरबीत की तुम बहुत तरफदारी करती हो ना रिश्वत लिया उन्होंने कंपटीशन में एंट्री के बदले हमारे डैड ने उनका गाना प्रोफेशनल रिकॉर्ड भी करवाया और मार्केट में और मेरे पास इन सारी बातों का सबूत भी है सॉरी मुझे लगा कि सर हबीब बहुत अच्छे हैं और यूनिवर्सिटी में तुम्हारा पहला साल है बहुत से लोगों की पहचान होगी तुम्हें इट्स ओके तो फिर शुरू करें श्योर वैसे अगर हम कंपटीशन ना भी जीते ना तो खैर है हमारा कंपटीशन में वापस आ जाना ना इन लोगों के मुंह पे चपेड़ है नहीं हमें जीतना होगा किसी भी तरह तुझे कब से इतना जुनून हो गया जीतने का यार वो बात नहीं है तू ठीक नहीं लग रही है सब खैरियत तो है ना वो चाचा की कॉल आई थी घर पे फाइनेंशियल इश्यूज है ना मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ पता नहीं कब मिलेगी कैसी होगी कितने पैसे होंगे इस कंपटीशन में कैश प्राइज है जर्क? हाँ? किधर घूमो? कुछ नहीं वो अच्छा छोड़ो चलो जासिया के पास चलते हाँ ठीक
क्या हो गया भाई, घर में पैसों की जरूरत है और वैसे भी हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं हमेशा अपने से पहले इनके बारे में सोचता हूँ। भाई होने के नाते तुम्हें बताने आया था कि अपने बॉय को संभालो। कहाँ है ना तुम्हारी फजूल बकवास, नहीं सुननी, यहाँ से दफा हो जाओ।